वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। 18,000 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट, 191 दिनों तक इस पर चर्चा हुई, तमाम लोगों से आपको हम रिपोर्ट भी दिखाएंगे। तो ये बड़ी खबर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर इस वक्त, और आपको जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब रिपोर्ट सौंपी गई थी राष्ट्रपति की तरफ से। राष्ट्रपति भवन दिल्ली की तस्वीर जहाँ पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मौजूदगी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जब इन डेलीगेशन ने रिपोर्ट अपनी सौंपी उस वक्त ये तस्वीर देखे, ये चर्चा गहन मंथन 191 दिनों तक ये इस पर वार्ता हुई विस्तार से। और वन नेशन वन इलेक्शन पर जो रिपोर्ट है 8 खंड में है, चुनाव पर भारी भरकम जो खर्च होता है चाहे लोकसभा और विधानसभा को लेकर, वो बजट को बचाना, लगातार चुनाव की परेशानी से बचना क्यों जरूरी है, वन नेशन वन इलेक्शन एक देश एक चुनाव, ये देखिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको हम जानकारी दे रहे हैं। मतदाताओं के कीमती वक्त में भी बचत इससे काफी, चुनावी मशीनरी पर बोझ इससे काफी कम हो जाएगा। एक और ये पॉइंट वाइज सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखा रहे हैं, सुरक्षा एजेंसियों पर जो बोझ होता है अतिरिक्त वो उसमें काफी कमी हो जाएगी, बजट में तो कमी होगी ही, सहूलियत काफी बढ़ जाएगी, तो चुनाव पर भारी भरकम जो खर्च है उससे बचना। तो एक देश एक चुनाव की जरूरत बताई जा रही है, लेकिन अब इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। जो कोविंद कमेटी ने अपना रास्ता बताया उसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें कहा गया कि सिंगल वोटर आईडी कार्ड इसमें होगा, एक ही वोटर आईडी कार्ड, इसका अभी भी एक ही वोटर आईडी कार्ड है, तो एक ही वोटर आईडी कार्ड से सब होगा, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव सब एक साथ होंगे, लेकिन वो भी होंगे उसके लिए भी एक पूरी प्रक्रिया है, वो ये है कि 100 दिन के बाद स्थानीय निकाय चुनाव इसमें, 100 दिन के भीतर जो है स्थानीय निकाय चुनाव इसमें हो, तो ये जो सिफारिशें हैं वो की गई हैं। तो 100 दिन के बाद क्या, देखिए पहला चरण होगा, दूसरा, दो चरणों में इसको जो है बांटा गया, पहला लोकसभा और विधानसभा, और दूसरे चरण में जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हैं जिसमें पंचायत है, स्थानीय निकाय के चुनाव है, तो 100 दिन के बाद ये सब होंगे। तो ये इस पूरी की पूरी रिपोर्ट में जो है सिफारिश की गई है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव तो एक साथ हो जाए सभी प्रदेशों के, और जो है लोकसभा के और बाकी बॉडीज के बाद में, फिर अगर विधानसभा भंग करनी पड़े किसी भी परिस्थिति में तो वहां पर दोबारा चुनाव कराया जाए, वहां पर यानी कि वही प्रोसेस होगा। और इसी खबर पर डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ संजय शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। संजय, क्या सिफारिशें की हैं, विस्तार से आप पॉइंट वाइज बताएं, और कब से ये लागू करने की सिफारिश की गई ये भी बताएं। तो हमें पता चला है निर्वाचन आयोग, इसमें विधि आयोग ने सिफारिशें कर दी हैं, यानी अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है। आज एक ऐतिहासिक दिन है जिसमें एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर राष्ट्र पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने भी अपनी सिफारिशें दी हैं, और आज ही विधि आयोग ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने भी अपनी सिफारिशें विधि और न्याय मंत्रालय को दे दी है, यानी कानून मंत्रालय को दे दी है। उसमें ये कहा गया है कि कुछ संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि विधानसभाओं और लोकसभा के कार्यकाल को समायोजित करने के लिए अगर कोई सरकार बीच में गिर जाती है, या फिर चुनाव के बाद त्रिशंकु सदन होता है जिसमें किसी भी दल या किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत ना हो, तो ऐसी स्थिति में काम चलाओ साझा सरकार की, अंतरिम सरकार की व्यवस्था होगी। अगर वो भी अपरिहार्य हो जाता है वो सरकार चलाना, तो ऐसे में चुनाव होंगे भी तो उस अंतरिम कार्यकाल के लिए होंगे जितना वो 5 साल के लिए जरूरी होगा। और इसमें यह भी कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 83 यानी 83, 85, 172, 172, 174, 174, 174 और 356 जिसमें राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है कि वो राष्ट्रपति शासन केंद्रीय शासन लगाने की अनुमति देते हैं, उसमें संशोधन करने की सिफारिश की गई है। और सिफारिशें इस तरह से की गई हैं कि अगर उस पर अमल किया जाए तो 2029 तक यानी 19वीं लोकसभा का चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन की इस पॉलिसी पर, इस तर्ज पर, इस कल्पना पर किया जा सकता है, जिसके लिए ये सिफारिशें की गई हैं, ताकि लोकसभा के साथ साथ सभी विधानसभाओं, स्थानीय निकायों और पंचायतों तक के चुनाव साल में एक ही बार कराए जाएं। और ऐसी अपरिहार्य स्थिति में जबकि काम चलाओ साझा सरकार, अंतरिम सरकार चलाना मुश्किल हो, तभी चुनाव कराए जाएं, वो भी उतने ही समय के लिए जो 5 साल की, जो पूरे देश में एक साथ चुनाव होने हैं। ठीक है संजय, ये ऐसी सिफारिशें हैं, सूत्रों ने बताया है, हम इंतजार कर रहे हैं कि उस पर सिनॉप्सिस क्या आता है। जी संजय शर्मा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे।